हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रीनो सॉल्यूशन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक साइज इलेवन पॉइंट वन ठीक है तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट द देखो डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है कोई कोन है ठीक है तो देखो बच्चों कोनिकल शेप कैसे होते हैं जैसे तुम्हारा बर्थडे कैप है उसमें क्या होता है बच्चों ऐसा एक कर्वड सर्फेस होता है और नीचे जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, है कि नहीं तो इसमें यहाँ पर बच्चों इस जो सर्कुलर सर्फिस उसका कुछ रेडियस भी होगा ठीक है और ये जो हाइट होती है जो कर्व्ड हाइट होती है उसको हम लोग स्लैंड हाइट बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं ठीक है थीके? और जो हाइट होती है इसकी वर्टिकल हाइट भी बोल सकते हो नॉर्मल हाइट भी बोल सकते हो दिस इज डिनोटेड बाय एच ठीक है H, तो यहाँ पर बच्चों इसके मैंने फॉर्मूले लिख दिए अगर तुम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है वन बाई थ्री पाई स्र स्क्वायर एल कर्व्ड सर्फिस एरिया क्या होता है बच्चों जैसे बर्थडे कैप है ठीक है तो तुम क्या होता है ऐसी तो होता है बोध डे कैब ठीक है कोनिकल होता है ऊपर से ठीक तो तुम उसका जो कर्व सर्स उसमें बेस नहीं होती अगर बेस होगी तो आपका सर कहाँ से जाएगा अंदर है कि नहीं तो हम उसका जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो कर्उट सरफेस एरिया निकालते हैं कोई टेंट होता है तो कर्उट सरफेस एरिया निकालते हैं खाली ऊपर वाली सरफेस का जो कर्ट सरफेस होती है ठीक लेकिन बच्चा अगर हमें टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी कर्व सर्फेस एरिया निकालूंगी जो कर्व सर्फेस है और मैं उसमें ये जो बेस है सर्कुलर उसका भी एरिया निकालूंगी है कि नहीं तो क्या हो जाता है बच्चों उससे देखो जरा सा तो हो जाएगा तुम्हारा कर्ट सर्फिस एरिया क्या है पाई आर एल ठीक है इसमें तुम नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका भी एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर यही तो होता है यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा एल प्लस आर तो ये तुम्हारा टोटल सर्फेस एरिया हो गया अगर तुम्हें उसमें बेस भी इंक्लूड करनी है ये फर्क समझ में आ गया यहाँ पर अब चलो क्वेश्चन नंबर वन पर ठीक है तो देखो यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं यहाँ पर डायमीटर जो है बे, इसका वो गिवन है ठीक है तो यहाँ पर डायमीटर इज गिवन एज टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स ठीक है जो स्लैंड हाइट है मतलब एल गिवन है यहाँ पर दस मीटर यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सर्फेस एरिया ठीक है तो बच्चों पहले तो मैं आर निकाल लेती हूँ मेरे पास डायमीटर गिवन है आर निकाल लूँ तो आर क्या होता है डी बाय टू होता है तो ये हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव अपॉन टू ठीक है क्लियर है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास ये डेसिमल हटा लो ज़ीरो नीचे आ जाएगा इसको मैं फ़ाइव से करूँ ऊपर नीचे फाइव से डिवाइड करती हूँ फ़ाइव टू जै टेन फाइव वन ज़ा फाइव नीचे फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी तो इसको अभी तुम ट्वेंटी वन बाई फोर भी रख सकते हो उसके आगे अगर नहीं भी करते तो अभी चलेगा ठीक है चलो अब निकालते हैं हम कर्व्ड सर्फिस एरिया कर्व्ड सर्फिस एरिया क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल ठीक है यहाँ पे पाई क्या लोगे तुम लोग ट्वेंटी टू बाय सेवन ठीक है कहीं पे ट्वेंटी टू बाय सेवन लेंगे कहीं पे थ्री पॉइंट वन फोर लेंगे है ना इधर हम लेते हैं ट्वेंटी टू बाय सेवन ठीक आर क्या है तुम्हारा ट्वेंटी वन बाय फोर ठीक है इसीलिए मैंने इसे फर्दर नहीं करा था क्योंकि देखो सेवन इससे चला जाएगा ठीक है एल क्या है तुम्हारा दस ठीक क्लियर करो सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन टू टू ज़ा फोर है ना टू वन ज़ा टू टू वन जर टू टू फाइव ये कितना हो जाएगा इलेवन इन टू फिफ्टीन आंसर आ जाएगा यहां सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर टू पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ठीक है अब देखो जब बात बच्चों टोटल सरफेस एरिया की आई तो मतलब मुझे क्या करना है मुझे ये जो कर्व सरफेस है उसका भी एरिया चाहिए प्लस मुझे ये जो इसकी बेस है नीचे वाली इसका भी बेस एरिया चाहिए ठीक है आगे समझ में तो देखो बच्चे यहाँ पर स्लैंट हाइट ये जो हाइट है दैट इज गिवन एज 21 मीटर्स ठीक डाया जो गिवन है बेस का डाया वो 24 मीटर्स गिवन है ठीक है तो हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकाल लें रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय टू ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास बारह मीटर ये आ गया तुम्हारे पास रेडियस इधर ठीक है क्लियर है चलो अब टोटल सर्फिस एरिया का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टोटल सर्फिस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर ठीक है तो पाई क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन एल क्या है तुम्हारा बारह एल क्या है ट्वेंटी वन अगेन आर क्या है ट्वेल्व ये हो जाएगा 22 टू अपॉन सेवन इंटू टू ये कितना हो जाएगा 33. ठीक है क्लियर चलो इसको जरा सा मल्टीप्लाई करो आ, सही जा रहा है हमारा और ठीक है सही तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहां पे मिलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वील गेट टू सिक्स फोर थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है फिर तुम इन दोनों को करो डिवाइड बाय सेवन तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी एट सेवन वन टू डिवाइड बाय अगेन सेवन सेवन से करो सेवन वन जर सेवन बचाओ वन ठीक है सेवन टू जार फोर्टीन फिर ये जाएगा तुम्हारा फोर अगेन फोर पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर दिस विल बी योर आंसर ठीक है क्लियर है आसान था अभी थोड़े से क्वेश्चन आसान ही चलेंगे तुम्हारे उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर थ्री पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है तुम्हारे पास एक कोन गिवन है ठीक है ये कह रहे हैं उसका जो कर्व सर्फिस एरिया है मतलब जो कर्व जो एरिया है उसका कितना है थ्री जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर तो मैं लिख देती हूँ कर्व सर्फिस एरिया इस कोन का कितना है थ्री हंड्रेड एंड एट सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जो स्लैंड हाइट है ये जो एल है बच्चों यहाँ पर दैट इज गिवेन एज फोर्टीन सेंटीमीटर्स ठीक तुमको क्या फाइंड आउट करना है यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस और टोटल सरफेस एरिया सिंपल क्वेश्चन ठीक है तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्व सर्फेस एरिया लगाओ कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई आर एल ठीक है ये हो गया थ्री जीरो एट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्या है R हमें नहीं पता है, है, L क्या है बच्चों यहां पे 14. तो देखो सेवन 14 ठीक मैं क्या करती हूँ आर इधर छोड़ती हूँ ट्वेंटी टू इंटू सेवन इधर ले आती हूँ तो ये कितना हो जाएगा थ्री जीरो एट अपॉन ट्वेंटी टू इंटू ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा आर ऐसे ठीक है क्लियर है अब देखो इसको जरा डिवाइड करो तो टू वन जै टू टू वन जी टू टू फाइव जी टेन टू फोर जी एट ठीक है क्लियर है फिर ट्वेंटी टू ये कितना जा रहा है सेवन टाइम्स तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से आर इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर्स क्लियर है आसानी से आया तुम्हारा आर ठीक है ना नॉर्मल इसी फॉर्मूले में रखो आ जाएगा ठीक अब आ जाओ तुम इसके कर्व्ड सर्फेस एरिया पर ठीक है ना अब तुम्हें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ठीक है टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर ठीक है पाई ट्वेंटी टू बाय सेवन एल अभी कितना निकला सेवन ठीक है चलो एल कितना है तुम्हारा फोर्टीन प्लस आर कितना है तुम्हारा सेवन ठीक है इससे ये गया तो यह ट्वेंटी टू इंटू ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अलोंग विद द बेस जो बेस का एरिया है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोनों मिलाकर टोटल सर्फेस एरिया होता है ठीक है अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर फोर पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहे हैं एक तुम्हारे पास कोनिकल टेंट है ठीक है इसकी जो हाइट है जो एच है, है यहाँ पर दैट इज टेन मीटर्स ठीक है जो रेडियस है बेस का वो कितना है ट्वेंटी फोर मीटर्स ठीक सबसे पहले तो मैं स्लैंट हाइट निकालनी है एल ठीक तो है? है तो देखो एल कैसे निकालते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ठीक है क्लियर है तो देखो एल क्या होता है हाई तो होती है तुम्हारी ठीक है तो एल इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर जो तुम्हारी वर्टिकल हाइट है प्लस रेडियस का स्क्वायर ठीक है ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा एल फाइंड आउट करने का ठीक है क्लियर है चलो इस फॉर्मूले में रखते हैं एल इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया टेन का स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा हंड्रेड ठीक है और ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है फाइव सेवन सिक्स ठीक है ये टोटल हो जाएगा सिक्स सेवेंटी सिक्स का स्क्वायर रूट ठीक है और बच्चों सबको पता ही होगा कि सिक्स 76, किसका होता होता है ये होता है ये बच्चों तुम्हारा का ठीक तो कि वैसे तो बच्चों टिप्स पे होने चाहिए कुछ जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स होते हैं ना चलो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा देखो सिक्स सेवन सिक्स का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है मैं क्या करूंगी पहले पेयरिंग करती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड से इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग ये अकेला इसको अकेला छोड़ दो ठीक अब देखो टू टू आर फोर ठीक है कितना बच्चा बच्चों यहाँ पर दो ठीक है सेवेंटी सिक्स दोनों नीचे आ जाएगा एक साथ क्लियर है ठीक अब देखो टू प्लस टू कितना होता है बच्चों फोर ठीक है इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखूँ जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये है चलो छः रख के देखते हैं हम लोग ठीक है तो देखो इससे सिक्स से मल्टीप्लाई करो सिक्स 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 आर थर्टी फोर ट्वेंटी फोर और तीन हो गया ट्वेंटी सेवन इसका मतलब इसका स्क्वेयर रूट कितना आ रहा था ट्वेंटी सिक्स ठीक है यहाँ तक बात समझ में आए तो देखो हमारा बच्चों क्या आ गया एल तो आ गया हमारा ट्वेंटी सिक्स मीटर्स ठीक है क्लियर है चलो अगला आगे देखते हैं हम ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज सेवेंटी रुपीज ठीक है तो देखो बच्चों क्या करना है आप तुम्हें यहां पर ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर कितना है सत्तर रुपये ठीक है एक मीटर को अगर मुझे टेंट बनाना है तो एक मीटर की कॉस्ट सेवेंटी रुपीज आनी है ठीक है तो देखो बच्चों टेंट है तो टोटल सर्फेस एरिया नहीं निकालोगे क्या निकालोगे कर्ड सर्फेस एरिया क्यों क्योंकि टेंट में कभी भी बेस अगर तुमने कपड़े की बना दी तो इंसान अंदर तो जाएगा नहीं है कि नहीं ऊपर से ही तो जाएगा ठीक है तो तुम्हें खाली यहाँ पर ऊपर का पोर्शन चाहिए क्लियर चलो तो देखो या तो गिवन होता कि भाई उसमें बेस भी है तो, तो तुम टोटल सरफेस एरिया निकालोगे अगर खाली टेंट का वर्ड यूज करा गया तो कर्व सरफेस एरिया विल बी सफिशियंट ठीक है तो देखो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल पाई कितना है ट्वेंटी टू बाय सेवन एल कितना आर कितना है ट्वेंटी फोर एल कितना आया तुम्हारा ट्वेंटी सिक्स ठीक है बच्चों क्लियर अब देखो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फ़ोर ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर फाइव टू एट है ना फिर इंटू क्या जाएगा यहाँ पे तुम्हारा रुको तो, तो ये कितना हो जाएगा फाइव ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन ठीक है ये मीटर स्क्वायर ठीक ये इतना कर्व सरफेस है एरिया आ गया इसका टेंट का तुम्हारा ठीक है अब ये कह रहे हैं एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट सेवेंटी रुपीज़ है ठीक है तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों इंटू करोगे ऑब्वियसली एक मीटर की अगर सेवेंटी है तो दो मीटर की कितनी हो जाएगी टू इंटू सेवेंटी ऐसी इतनी मीटर की कितनी हो जाएगी दिसमच इंटू सेवेंटी है कि नहीं तो टोटल तो कॉस्ट विल बी फाइव टू एट इंटू टू सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन इंटू ये कितना है तुम्हारा सेवेंटी ठीक है क्लियर है तो ये तुम्हारा बैठेगा दस और ऊपर कितना अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यहाँ पर ये बैठेगा वन थ्री सेवन ये हो जाएगा तुम्हारा टू एट ठीक है वाइट बाइस सेवन ठीक है इसको भी छोड़ ही दो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देना बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है इसको टेन से कर लो सिंपल तो ये बैठेगा वन थ्री सेवन टू एट जीरो मीटर स्क्वायर ठीक है क्लियर है आगे आराम से समझ में आसान था ना ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं ठीक है ना बस तुम ये देख लेना कौन सा फॉर्मूला लगना है ठीक है वैल्यूज प्रॉपर आनी चाहिए तो अप्लाई कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत आसान ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ठीक है अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर फाइव पर बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है ये कह रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ तापलन थ्री मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल शेप टेन ठीक है इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास नहीं कपड़ा है बच्चों कपड़ा किस शेप में होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है होता है चलो ठीक अब ये कह रहे हैं ये कितने मीटर वाइड है तीन मीटर वाइड है चौड़ा है ये तीन मीटर ये लेंथ तुमको अभी पता नहीं है ठीक क्लियर ये कह रहा है हमने जो है एक इससे कोन बनाया ठीक है जिसका ऑफ हाइट इसकी जो है आठ मीटर है ठीक है क्लियर है और इसके जो रेडियस है इस कोन का जो इस कपड़े से बना है दैट इज़ सिक्स मीटर ठीक तो अब तुम्हें बताना है यहाँ पर के जो है दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव कितना कपड़ा लगेगा ठीक है इसी कितना कपड़ा लगेगा और बाकी इसकी कॉस्टिंग वगैरह तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एल फाइंड कर लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं एग्जाम में आता ही आता है ठीक है तो यहाँ पर एल फाइंड आउट आउट करो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है तो मैं इसको बोल सकती हूँ एट स्क्वायेर प्लस सिक्स स्क्वायर एट एट फोर और सिक्स सिक्स ज़ार सिक्स ये हो गया तुम्हारा हंड्रेड ठीक है तो एल कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ हंड्रेड दिस इज टेन मीटर तो यहाँ से तुम्हारा एक एल तो आ गया दस मीटर का ठीक अब हम क्या निकालेंगे इसका कर्व ऑफिस एरिया निकाल लेते सॉरी एरिया ऑफ दिस क्लॉथ निकाल लेते हैं हम ठीक है बच्चों उससे पहले हम इसका कर्व सर्फेस एरिया निकालते हैं तो कर्व सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल ठीक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे तुमको पाई लेना है थ्री पॉइंट वन फोर है ना तो ले लो थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस कितना है तुम्हारा सिक्स और एल कितना है हमने ले लिया दस है ना हमारा एल तो भी आया है ठीक है क्लियर तो यहां से ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी वन एट एट पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर ठीक है ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों इस टेंट का कर्व सर्फेस एरिया ठीक है तो बच्चों जो इस टेंट का सर्फिस एरिया होगा वही तो इस कपड़ा जो होगा वो उतने ही तो होगा नहीं होगा मैंने इसी कपड़े से ही तो टेंट बनाया है ठीक तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगी ये इसका मुझे एरिया मिल गया है कि नहीं ठीक चलो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टैंगल कह दो इसे कितना हो जाएगा एल इन टू बी मतलब थ्री एल ठीक है तीन मीटर ब्रेथ और लेंथ है ना ठीक अब यहाँ पर ये कितना है वन एटी एट पॉइंट फोर दिस इज इक्वल टू थ्री एल तीन को इधर ले लो तुम ठीक है तो ये एल कितना आ जाएगा तुम्हारा सिक्सटी टू पॉइंट एट मीटर मतलब तुम्हें इस लेंथ का कपड़ा चाहिए ठीक है क्या है कपड़े की लेंथ 62.8 मीटर्स ठीक अब देखो बच्चों अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि आपको अपनी एक शर्ट बनानी है दो मीटर में तुम्हारी शर्ट बन जाएगी ठीक है सपोज करो तो देखो बच्चों ऑब्वियसली तुम दो मीटर कपड़ा लाओगे लेकिन कुछ उसमें कटिंग होती है नहीं होती कपड़े में तो तुम क्या कहोगे जहाँ से कपड़ा लोगे कि भाई आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना कपड़ा ताकि बाद में आके मुझे ऐसा ना हो टेलर मुझसे बोल दे कि भाई कम पड़ गया कपड़ा है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो कुछ कटता है कुछ अंदर मुड़ता है है या नहीं है ठीक है तो बच्चों ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा लग रहा है दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है बच्चों वहाँ यहाँ पर लेंथ जो एक्स्ट्रा जा रही है कटिंग में हर चीज में दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो इसको अगर मैं मीटर्स में करती हूँ क्योंकि बारी बाकी सारी चीज़ें तो हमारी मीटर्स में तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू मीटर्स ठीक है क्लियर है तो अब बच्चों देखो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास जो उसकी एक्चुअल लेंथ है प्लस जो एक्स्ट्रा लेंथ है है ना एक्चुअल लेंथ कितनी थी बच्चों सिक्सटी टू पॉइंट एट है ना इसमें ऐड कर दो तुम पॉइंट टू है कि नहीं ये कितना आ जाएगा अब तुम्हारा सिक्सटी थ्री मीटर ये अब तुम्हारी टोटल लेंथ आ गई इस कपड़े की ठीक है क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है ठीक है क्लियर है अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या करना है? ये कह रहे हैं एक कॉनिकल टोम्ब है ठीक है जिसकी स्लैंड हाइट गिवन है तुम्हें ट्वेंटी फाइव मीटर्स ठीक है और जो डायमीटर गिवन है बेस का दैट इज फोर्टीन मीटर्स ठीक है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ बच्चों रेडियस निकाल लेती हूँ है ना तो ये d बाई टू हो जाएगा तो ये 14 डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा सात मीटर ये इस सरफेस का रेडियस आ गया सात मीटर ठीक है अब ये कह रहे हैं तुम्हें इसको वाइट वॉश करना है ठीक तो बच्चा टोम है तो वाइट वॉश ऑब्वियसली सर्कुलर कर्व सर्फिस एरिया ही तुम्हें चाहिए होगा टोटल सर्फिस एरिया जमीन पर तो तुम नहीं करोगे वाइट वॉश ठीक है तो देखो यहाँ पे कर्व सर्फिस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल ठीक है यहाँ पे पाई हो जाएगा ट्वेंटी टू बाय सेवन एल आर कितना हो जाएगा सेवन एल कितना है तुम्हारे पास ट्वेंटी फाइव सेवन से सेवन चला जाएगा ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर स्क्वायर ठीक है क्लियर है अब देखो ये कह रहे हैं इसकी कॉस्ट निकालो अगर सौ मीटर स्क्वायर की कॉस्ट टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ है, तो इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आएगी ठीक है तो तुम क्या करेंगे अब हम देखो कैसे करेंगे अब मुझे यहाँ पर टू फाइंड आउट द कॉस्ट है ना तो so, मैं लिख देती हूँ कॉस्ट का क्या करेंगे कॉस्ट कैसे निकालोगे तुम यहाँ पर तो देखो रेट ऑफ ये कह रहे हैं हंड्रेड मीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है दैट इज टू हंड्रेड एंड टेन है ना टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज राइट तुम्हें कितने की निकालनी है टू कॉस्टिंग ऑफ फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर स्क्वायर तो सपोज तुम इसको एक्स सपोज कर लो ये डायरेक्ट वेरिएशन का है क्वेश्चन जैसे तुम्हारा एरिया बढ़ेगा वैसी तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं कह सकती हूँ हंड्रेड इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन इंटू फाइव फाइव जीरो दूसरा तरीका ये भी था बच्चों एक मीटर स्क्वायर की निकाल लेते उसमें ये मल्टीप्लाई कर देते ठीक है यूनिटरी मेथड लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन से भी इसको कर सकते हैं ठीक तो चलो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू हंड्रेड एंड टेन इंटू फाइव फाइव ज़ीरो डिवाइडेड बाई हंड्रेड जीरो से ज़ीरो गया ज़ीरो से ज़ीरो गया ठीक है तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास वन वन फाइव फाइव रुपीज़ ठीक है इलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव रुपीज़ ठीक तो ये क्या आ गई यहाँ पर इसकी वाइट वॉश की कॉस्ट आ गई ठीक क्लियर ईजी था अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर सेवन पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन में ये कह रहे हैं कि एक जोकर का जो कैप है वो एक सर्कुलर कोन के जैसा है ठीक है यहाँ पर तुम्हारे पास जो रेडियस गिवन है बेस का दैट इज सेवन सेंटीमीटर्स ठीक है हाइट जो गिवन है बच्चों इसकी दिस इज़ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स ठीक है तुम्हें इसका एरिया निकालना है कि ऐसे अगर मुझे दस कैप चाहिए तो कितना मेरे पास जो है वो कार्ड शीट लगेगी ठीक है क्लियर है तो देखो बच्चों का आउट एरिया के ही निकालना है यहाँ पर काउट्स ऑफिस एरिया के लिख का फॉर्मूला होता है क्या पाई आर एल तो तुम्हें एल निकालना पड़ेगा सबसे पहले एल क्या होता है एल का फार्मूला पता है एल स्क्ज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूले एकदम ध्यान में होने चाहिए ठीक है थीके? ये देखो फार्मूले यहाँ पे भी लिखे हैं बिल्कुल अपने स्टडी टेबल पे लगा लोगे ना तुम लोग फार्मूले की एक शीट बना कर तो तुम्हें हर वक्त जब देखोगे तो याद रहेगा ठीक है तो यहाँ से तुम्हारा ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर ठीक है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है बच्चों फाइव सेवन सिक्स ठीक है और सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन ठीक है ये तुम्हारा टोटल बैठेगा सिक्स ट्वेंटी फाइव और सिक्स ट्वेंटी फाइव बच्चों किसका स्क्वायर होता है जैसे स्क्वायर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव है कि नहीं ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव होता है तो यहाँ से तुम्हारे पास एल की वैल्यू आ गई क्लियर ठीक है अब तुम इजीली इसका आउट्स ऑफिस एरिया निकाल दोगे उसको तुम किससे दस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा दस शीट्स का ठीक है चलो देखते हैं अब आपको क्या करना है यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है पाई आर एल ठीक है ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू एल क्या है पच्चीस है ना एल है तुम्हारा ट्वेंटी फाइव आया आर है तुम्हारा सेवन ठीक है चलो ऐसे कर लो बच्चे कहेंगे हमें तो समझ में नहीं आया एल तुम्हारा सेवन है ठीक है सही सेवन से सेवन चला जाएगा ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव कितना होता है फाइव फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब तुम्हें ऐसे दस कैप बनाने हैं ठीक है थीके? तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक टेन सच कैप्स टू मेक टेन सच कैप्स कितना हो जाएगा बच्चों बताओ हो जाएगा फाइव फाइव जीरो इंटू दस ये हो जाएगा फाइव फाइव डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है यूनिट का हमेशा ख्याल रखना क्लियर अब आ जाओ इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में दैट इज क्वेश्चन नंबर एट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर एट में तुम्हें क्या करना है कह रहे बस स्टॉप है ठीक है उसको जो है इन्होंने बैरिकेड करा है रोड से अलग हटाया है उसको ठीक है मतलब एक समझ लो एक बैरियर टाइप का लगा है तो बैरियर किस चीज़ के लगे होते हैं यूजुअली ऐसे कोनिकल शेप के सड़क पे तुम लोगों ने देखा होगा जब सड़कें बनती हैं तो भी लगा देते हैं ऐसे लगाते हैं नहीं लगाते हैं ठीक है वैसे कोनिकल शेप के तुम्हारे बैरियर्स लगा देते हैं लगा दिए ऐसे पचास ये कोन है यहाँ पर ठीक है क्लियर अभी कह रहे हैं इनको तुम्हें पेंट करना है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए होगा बच्चों इसका कर्व ऑफिस एरिया चाहिए होगा है ही है कि नहीं कर्व ऑफिस एरिया पर ही तो तुम लोग पेंट करोगे तो देखो कर्व ऑफिस एरिया के लिए तुम्हें एल भी चाहिए यहाँ पर तुम्हारे पास एच गिवन है तो एल के लिए क्या फॉर्मूला है पहले ये देखो आर निकालो आर इज इक्वल टू डी बाय टू डाय को टू से डिवाइड करो ठीक है तो फोर्टी डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास बीस सेंटीमीटर यूनिट का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है ठीक है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर्स आ गया राइट right? ये तो तुम्हारे पास आर आ गया अब देखो एल जो है बच्चों, एल इक्वल टू एच प्लस आर ना? तो यहां पर बच्चों तुम्हारे पास एक गिवन uh, है यहां पर एक वैल्यू गिवन है अंडर उज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो टू ये सोचो ये क्यों गिवन है इसलिए गिवन है बच्चों कि मुझे यहाँ पर जो है सारे यूनिट मीटर में लेने ठीक है चलो अभी देखते हैं कैसे तो देखो ये कितना हो जाएगा हाइट वन का स्क्वायर ठीक है आर कितना है ट्वेंटी इसको मैं मीटर में अगर करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट टू है ना ठीक है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर राइट जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर कर दो ठीक है क्लियर है ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ये हो जाएगा एल कितना हो जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो फोर ये एल एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई वन पॉइंट जीरो फ़ोर ठीक है और तुम्हारे पास एल की वन अंडर रूट वन पॉइंट ज़ीरो फोर है ठीक है ये वैल्यू तुमको गिवेन है यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे यूनिट तुम्हें अभी मीटर्स में ही रखने पड़ेंगे तो देख लो कितना आसानी हो गई हमें यहाँ पर यह आ जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो टू मीटर्स ये एल की वैल्यू आ गई ठीक है अब तुम्हारे पास L मौजूद है तो तुम कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे आसानी से तो तुम्हारे पास L कितना आ गया वन पॉइंट जीरो टू मीटर राइट अब तुम्हें क्या करना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है चलो निकालते कर्व सरफेस एरिया पाई r l ये हो जाएगा तुम्हारे पास थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर कितना है तुम्हारा mm, r एस जीरो पॉइंट टू एल कितना है तुम्हारा वन पॉइंट ज़ीरो टू ठीक है इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना तो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो फोर ठीक है ये आ गया मीटर स्क्वायर अभी रुक जाओ अभी आगे नहीं करना ठीक है ऐसे तुमको पचास कौन चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग फिफ्टी बोर्ड्स है ना कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग फिफ्टी बोर्ड फिफ्टी कौनस कितना हो जाएगा बच्चों इसमें तुम फिफ्टी मल्टीप्लाई कर दो है ना तो देखो थ्री पॉइंट वन फोर को मैंने अगर डेसिमल हटाती हूँ डबल ज़ीरो लगा दो इसमें भी क्या कर सकते हैं इसमें एक दो तीन लग जाएंगे है ना ठीक और फिर फिफ्टी है इन फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो ठीक तो ये तुम्हारा आ जाएगा ज़ीरो से ज़ीरो गया और फाइव टू ज टेन ज़ीरो ठीक है इसको करो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर ठीक है ये तुम्हारा क्या आ गया पचास कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो आ गया ठीक अब तुमको क्या निकालना है बच्चों इनकी कॉस्ट निकालनी है ठीक है अब हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी यहाँ पर ठीक है ना क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है आसानी है क्वेश्चन ठीक है तो देखो बच्चों कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ ट्वेल्व बारह रुपये में एक मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है ठीक है तो तुम्हारा यहाँ पे टोटल तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी टोटल कॉस्ट विल बी ट्वेल्व विंटू यहाँ पर कितना आया था हमारा थर्टी टू पॉइंट ज़ीरो टू एट ठीक है नॉर्मल मल्टीप्लाई करो इसको तो यू विल गेट द आंसर आज थ्री एट फोर पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स रुपीज़ ठीक है दिस विल बी योर आंसर ठीक है क्लियर है वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशंस